तो दोस्तों आज दोबारा मैं छठे लेक्चर में आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं लाया हूँ सीक्वेंस वाइज, जैसे हम चल रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करेंगे आज। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारा, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करेंगे जैसे हमने वही एक सीक्वेंस है वही लेके चलते हैं हम। मैं इधर लिख लेता हूँ सबसे पहले उर्दू जुमले, अली जा रहा था, अली नहीं जा रहा था, क्या अली जा रहा था, क्या अली नहीं जा रहा था, हम जा रहे थे, हम नहीं जा रहे थे, क्या हम जा रहे थे, क्या हम नहीं जा रहे थे। तो दोस्तों ये कुछ वही जुमले मैंने लिखे जो सीक्वेंस हम लेके आ रहे थे। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूस में ये था कि जुमले के लास्ट में रहा था, ये नोट कर ले, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, ये इसकी उर्दू पहचान है। जुमले के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फार्मूला है दोस्तों, जो मैं लिखने जा रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड्स का फार्मूला है। ये फार्मूला आप अपने जहन में बिठा ले, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल पक्का। तो इसमें वाज और वर का इस्तेमाल होता है, वाज और वर का, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस यानी कि आईएनजी का इजाफा, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। वाज दोस्तों जो लगता है ये लगता है सिंगुलर के लिए, और जो वर लगता है ये लगता है प्लूरल के लिए। तो ये है इसका फार्मूला, ये आपका हो गया कंप्लीट। जस्ट ये एक फार्मूला आपने देखना है और आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स लेके चलते हैं हम। वही अली जा रहा था, तो अली जा रहा था इसका हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, अली, ठीक है। अली, अली क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में डीपली बता दिया है कि सिंगुलर ही, शी, इट, और कोई सिंगल नेम हो वो सिंगुलर है, और प्लूरल आई, वी, दे, यू होता है, ठीक है। उनके साथ वार लगता है और इसमें सिंगुलर के साथ वाज लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, अली सिंगुलर है, अली वाज, अली के साथ वाज लगेगा, और अली जा रहा था, अली वाज, गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का इजाफा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, अली वाज गोइंग, ठीक है। अली नहीं जा रहा था, अली वाज नॉट गोइंग, ठीक है। क्या अली जा रहा था, दोनों को एक्सचेंज करो, वाज अली गोइंग, ठीक है। क्या अली नहीं जा रहा था, वही एक्सचेंज किया दोनों को, वाज अली नॉट गोइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखें हमने सिंगुलर की बात की, ये वाज वाज इसमें लगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ प्लूरल की। तो प्लूरल जुमले में हम है, हम हुई, हुई डेफिनेटली प्लूरल में आता है। तो हम जा रहे थे, इसका क्या होगा, हम जा रहे थे, हम का लगा दिया हमने हुई, ठीक है, और जा रहे थे हुई के साथ हमने हुई प्लूरल है, तो हमने क्या लगाना है, वर, we were go and then ing का इजाफा, we were going, ठीक है। और दूसरा इसमें आ गया, हम नहीं जा रहे थे,
वी आर नॉट गोइंग, क्या हम जा रहे थे, प्लेस इज चेंज सेम, वर वी गोइंग, क्या हम नहीं जा रहे थे, वर वी नॉट गोइंग। तो दोस्तों ये हमारे थे सिंगुलर के और ये थे हमारे प्लूरल के। देखें कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट वाज और वर का इसमें इस्तेमाल करना, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया तो पास्ट टेंस हमारा हो गया एकदम से कंप्लीट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया एकदम से कंप्लीट। और सिंगुलर के साथ ये देखें हमने वाज का इजाफा किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया और प्लूरल के साथ वर का इजाफा किया और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। तो ये दो चीजें, दो सीक्वेंस थी जस्ट। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।